अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर व्लॉग्स। तो मेरी पोस्ट आपने देखी और उस पर आप लोगों की बहुत दुआएं, बहुत आप लोगों ने कमेंट्स किए। मैं हैरान था कि आप लोग इतना प्यार करते हैं। बहुत लोग परेशान भी हुए। बेसिकली हुआ ये, पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि मुझे लगी कहाँ। ये नज़र आ रहा है आपको, ये सारा खुल गया था और इतना ज़्यादा ब्लड, और ये मेरा सारा हिस्सा खुल गया था बिल्कुल यहाँ पे और इस तरह से। तो जो व्लॉग अभी आप देखेंगे ना, वो व्लॉग बनाने के बाद जब मैं वापस आ रहा था, और वो व्लॉग बनाने में गया क्यों था आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। व्लॉग मैं बनाने इसलिए गया था कि मैंने, मेरे पास 10,000 थे तो मैंने सोचा कि कोई शर्ट्स ले लेता हूँ, दो चार आती हैं तो चलें, दो आती हैं, तीन आती हैं, जितनी भी आती हैं, क्योंकि वीडियोज़ बनानी होती हैं तो उसमें चेंज करनी पड़ती हैं शर्ट्स। तो सॉरी, तो मैंने सोचा कि चलें जाके थोड़ी शॉपिंग कर लेता हूँ। तो उस दौरान सभी कहने लगा मैं भी जाऊँगा, ईशाल कहने लगी मैं भी जाऊँगा। तो जब बच्चे जा रहे हों तो बच्चों की माँ पहले ही तैयार होती है कि मैंने भी जाना है। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ। हम लोग गए यहाँ से करीम पे गए, और जब करीम से उतरे तो उसने बनाए हमारे कोई 1100-1200। जैसे ही हम उतरे तो सब कहने लगे भूख लगी है। तो अभी जो व्लॉग आप देखने लगे हैं ना, उस व्लॉग के लिए ये खाने के लिए बैठ गए। तो वो कोल्ड ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ें मिला हम लोग के तो तकरीबन कोई 5,000-5,500 रुपये के कुछ बिल बन गया मेरा। वहाँ से हम लोग उठे तो ये लोग कहने लगे कि फालूदा खाना है। फिर वहाँ से मैं फ्रेस्को स्वीट चला गया, वहाँ से हमने फालूदा वगैरह लिया, वहाँ उनको वो आप देखेंगे अभी वो खिलाया। और उसके बाद जब मैं वापस आ रहा था तो शॉपिंग के पैसे तो बचे नहीं। वहाँ से हम लोग वापस आए तो रास्ते में ईशाल की तबीयत ख़राब हो गई। ईशाल की तबीयत ख़राब होने के बाद हम परेशान हो गए कि क्या हो गया, उसकी आंखें एकदम से पीली और चेहरा पीला होने लग गया ना। हम लोग घर आए तो उसके बाद मैंने ईशाल के टेस्ट करवाए, और टेस्ट करवाने के बाद जब मैं लेने जा रहा था वो दोबारा, तो मैंने घर से बाइक निकाला लेने जा रहा था, तो मेरे आगे ना एक सुजुकी चल रही थी। और आपको अमूमन पता है सोसाइटीज़ में ना बिल्कुल सन्नाटा होता है, आमतौर पे इतनी ज़्यादा रूटीन नहीं होती, रश नहीं होती जैसे बाहर सोसाइटी से बाहर आप देखते हैं। तो वो जो सुजुकी थी उसके पीछे एक डाला लगा होता है, वो एक जंगला टाइप ना। तो जैसे ही गाड़ी कोई वो खड्डे में लगी और वो जो जंगला था वो खुल कर सीधा आकर मेरे यहाँ पे लगा और यहाँ पे, और उससे इतना ज़्यादा ब्लड, मतलब पहले तो मैं ऐसे बाइक को रोका और मैंने हाथ रखा तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा लगी है, क्योंकि मुझे उस वक्त पेन नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने ऐसे सर नीचे किया तो खून ही खून, इतना ज़्यादा खून के मेरी मूछें दाढ़ी ये सब भर गया एकदम से। तो वहाँ पे कोई था भी नहीं, मैं अकेला था। तो मैंने बाइक से वो कपड़ा निकाला और रखा तो वो कपड़ा बिल्कुल भीग गया, वो बिल्कुल गीला। वो गाड़ी वाले को तो पता भी नहीं चला, गाड़ी वाला चला गया था और मैं वहाँ पे अकेला ही था। तो मैंने देखा कि खून बहुत ज़्यादा है, फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, वहाँ पे उसका मेडिकल स्टोर है। वो फ़ौरन आए और वो कहता हो ये तो आपको अब लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, और वहाँ पर आपकी ट्रीटमेंट होगी, टांके लगेंगी, तो बहुत ज़्यादा लग गई है। ये मैं आपको फिर दिखाता हूँ, ये देखें ये बिल्कुल अभी मैं इसको अगर ऐसे करूँगा तो ये खुल जाएगा, ये यहाँ से लेके ये और ये नीचे और ऊपर। तो वहाँ से वो मुझे कहने लगा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार हॉस्पिटल तो नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे स्टिचेस लगेंगे और ये तो फिर मेरा सारा माथे पे बड़े बड़े निशान बन जाएंगे। तो खैर वो कोई चीज़ लेकर आया, उसने वहाँ पे वो लगाई जिससे ये थोड़ा मेरा जो ज़ख्म था इसके ऊपर, और फिर उसके बाद बहुत ज़ोर की पट्टी बांधी जिससे मतलब बिल्कुल हार्ड करके ना वो पट्टी बांधी सख्त करके। तो उस वक्त तो मुझे बिल्कुल होश भी नहीं था और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही थी। तो बस ये हुआ मेरे साथ। लेकिन आप लोगों ने जो दुआएं दी, आप लोगों ने इतना ख्याल किया, मैं हैरान था यार कि आप लोग माशाल्लाह इतना प्यार करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी आप व्लॉग देखिएगा, जिस व्लॉग में जो व्लॉग मैं बनाने गया था और उसके वापसी पे जो कुछ हुआ। वैसे एक बात है, जब कोई चोट चोट लग जाती है ना तो घर वाले ख्याल बड़ा करते हैं। अभी मैंने जो ना कीमा बना के दिया हुआ कि जल्दी ये खाएँ और इससे आपका ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाएगा, तो अब मैं ये कीमा खाऊंगा और सेहत बनाऊंगा। कीमा देखता हूँ कैसा बना है। अच्छा बना है।
ये देखें। अच्छा मुझे ना, मुझे वो वाला कीमा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो जो होता है ना मशीन में जो बनाते हैं, वो कीमा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस वो कबाब वगैरह उसके अच्छे लगते हैं, लेकिन वो कीमा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा ये जो है ना, मैं कहता हूँ वैसे घर वालों को वैसे भी इतना ख्याल करना चाहिए यार, जब तक खून ना निकले तब तक आप लोग ख्याल नहीं करते। खाली कीमा नहीं है, कीमे के साथ देसी मुर्गी यखनी भी है। लेकिन यखनी तो बिल्कुल फीकी ही होती है, इसमें तो लेकिन एक बात है, जैसे वो आप वो शेवर मुर्गी होती है, क्या कहते हैं उसको, उसका टेस्ट नहीं होता, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है यखनी में भी और वैसे भी। मतलब इसकी जब इसका कोई आप कढ़ाई से ही खाएं ना, सालन बना हुआ खाएं तो बहुत मज़ेदार होता है। बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप मेरा व्लॉग देखें और इन्जॉय करें, और सच में इस दिल में आप सबके लिए जितने लोगों ने कमेंट्स किए हैं सबके नाम इधर दिल पे लिखे हुए हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया, लव यू। ब्लॉग देखें और इसको लाइक करें और शेयर करें। और हम पहुंच गए रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद हमने सोचा कोई अच्छी सी जगह हमें मिल जाए बैठने के लिए। ओए हुए, ये क्या है यार, ये बन टिक्की इतनी महंगी, एक बंद और एक टिक्की। तो मैंने सोचा बच्चों का इरादा फास्ट फूड का है, लेकिन आज इनको मैं ये सरप्राइज देता हूँ। तो मैंने सिलेक्ट किया ये रॉयल प्लेटर, इसकी क्या ही बात है। जब ये सामने आया तो बच्चों ने यही कहा कि बाबा ये क्या मंगवा लिया, हमने फास्ट फूड खाना था। तो मैंने सोचा कि एक दफा आप लोग बच्चा इसको ट्राई तो करो, फिर आपको पता चलेगा कि बाबा ने क्या मंगवाया है। प्लेटर के आते ही मैंने सबसे पहले मटन चाप उठा ली। मैंने कहा ये ना हो, ये नाराजगी में बच्चे सबसे पहले ये उठा ले। तो मैंने मटन उठा लिया। अब सभी देख रहा था कि बाबा मटन खा रहे हैं। तो जैसे ही ओए होए होए मटन मैंने खाया तो क्या मजा आया यार। सभी पहले फिश उठा रहा था, लेकिन फिर सभी के मन में ख्याल आया कि यार क्यों ना ये निक्की निक्की लत्तों वाला बटेरा क्यों ना खाऊं। और सभी ने अपनी प्लेट में स्माइली भी बनाया। और उसके बाद जब उसने इसको ट्राई किया तो मुझे बस यही कहने लगा, बाबा मजा आ गया, उस बन टिक्की से तो ये बहुत मजेदार है। मैंने सोचा पहले मटन के साथ इंसाफ कर लूं, बाकी चीजों को बाद में देख लूंगा। और उसके बाद जब मैंने सभी को देखा, अरे यार सभी तुमने क्या अपने साथ का कांगड़ी पहलवान उठाकर उसके साथ कुश्ती कर रहे, तो इस शाल का देखा, अरे ये मेरी तरह है, बड़े मजे ले लेके खाती है। सैफ्रॉन का प्लेटर तो बहुत ही जबरदस्त था, लेकिन इनका मटन ओए होए होए क्या आउटस्टैंडिंग यार, जबरदस्त, इतना गला हुआ और इतना टेस्टी, क्या बताऊं। और यार केचप और रायते के साथ मिक्स करके खाने का तो अपना ही मजा है। अब मैंने ट्राई की मलाई बोटी, ओए होए क्या टेस्ट है यार, ओए होए मजा आ गया यार। यार अगर बोतल में केचप कम हो तो आवाजें कैसी आती हैं। अब बारी थी काबली पुलाव की। पहले तो मैंने काबली पुलाव चम्मच के साथ खाया, क्योंकि आसपास बैठी हुई खूबसूरत लड़कियां भी देख रही थी। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि इसके साथ ना तो मुझे मजा आएगा खाने का, ना आपको देखने का। तो मैंने ये काबली पुलाव अपने हाथों से खाना शुरू किया, तो क्या जबरदस्त मजा आया। अब ये ना समझना कि मैं मुंह इसलिए साफ कर रहा हूँ कि मेरा पेट भर गया, ना 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 ना, मैं अपनी मूंछों को साफ कर रहा हूँ ताकि मैं एक जबरदस्त किस्म का कबाब खा सकूं। तो कबाब के ऊपर मैंने डाला केचप, रायता। अब कबाब का पीस एक मैं ट्राई करूंगा काबली पुलाव के ऊपर रख के।
अब मैं कबाब को जरा चटनी के साथ ट्राई करता हूँ। अब आप लोग ये ना समझना कि मैं ये कोई कावा या चाय पी रहा हूँ, ये मैं उस चटनी को इसलिए पी रहा हूँ ताकि जरा तय बैठ जाए। सभी खा रहा था तो मैंने सोचा ये निक्का चाय एक पटेरा मैं भी ट्राई कर लूं। यार इसको खाते हुए तरस आ रहा था, लेकिन जब खा लिया तो मजा आने लग गया। आप क्या समझे, पिक्चर खत्म हो गई? ना 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 ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ से मैं चला गया फ्रेस्को स्वीट पर। फ्रेस्को स्वीट पर जाने के बाद मैंने अपना फेवरेट आइसक्रीम फालूदा ऑर्डर किया। मैंने तो ये सोचा कि इसमें आइसक्रीम कोई भी फ्लेवर हो, बस होनी खालिस चाहिए। फालूदे के ऊपर जब वो ये रंगीन किस्म की जेलियां डालने लगा तो मैंने उसे कहा भाई और डालो, फिर उसने और डाले। मैंने कहा और डालो तो वो बंदा गुस्से में आकर कहने लगा भाई जी तुहानू ये जेली वाले डब्बे ची ना सारा फलूदा बना दिया। फिर मैं चुप कर गया। आपको पता है यार, ये रंगीन किस्म की चीजें देखने में भी मजा आता है और खाने में भी। कहानी अभी खत्म नहीं होती मेरे दोस्त, क्योंकि इस फालूदे के ऊपर अभी जाएगा ढेर सारा फ्रूट और ड्राई फ्रूट। और उसके बाद हमने बनाया सभी के लिए कुल्फी फालूदा। सभी बहुत सयाना है, कहता है अलग चीज ट्राई भी करूंगा और आपसे लेकर भी खा लूंगा। मैंने सोचा कि सभी ने बाद में मुझे पूछना तो है नहीं, क्यों ना सबसे पहले मैं सभी का ये कुल्फी फालूदा ही ट्राई करूं। ओए ओए ओए, व्हाट अ टेस्टी यार, व्हाट अ टेस्टी, मजा आ गया यार। पहले तो मैंने सोचा कि ये सारी कुल्फी खा लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर सभी बिगड़ गया तो उसको कौन संभालेगा, तो भैया उसको वापिस कर दो। हाँ भाई, सभी मियाँ कैसा है? आहा, मजे है। वैसे यार इशाल का ये जो फालूदा है ना, बहुत कलरफुल लग रहा है। आहा, कैसा इशाल, मजेदार? इशाल का फालूदा देखने के बाद मुझे याद आया कि मैंने भी ऐसा ही लिया था, और जब मैंने ट्राई किया बहुत मजेदार, सच में बहुत मजेदार, मजा आ गया। अब आइसक्रीम का एक भर के चम्मच लूंगा। यार एक बात सच में आपको बताऊं, शॉपिंग के सारे पैसे खाने पे लग गए। यकीन जानो कि एक जर्रा बराबर दुख नहीं हुआ, क्योंकि खाना और ये व्लॉग इतना मजेदार था कि क्या कहने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और सुमेर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।